बार के तीसरे हफ्ते के टॉप 10 टीवी शोज की रिपोर्ट आज यानी कि 27 जनवरी को सामने आ चुकी है। ऐसे में जल्दी से आपको बताते हैं कि आखिर इस हफ्ते किस टीवी शो ने कमाल किया है और किसे मिली है कौन सी पोजीशन और कौन बना है नंबर वन शो। तो हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे नंबर 10 के पायदान पर आए शो से। तो 10वां पायदान हासिल किया है जी टीवी के शो कुंडली भाग्य ने। शो को इस हफ्ते मिले हैं 1.8 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं इस हफ्ते 9वें पायदान पर है स्टार प्लस का मशहूर शो ये है चाहते। शो ने हासिल किए हैं 1.9 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं एकता कपूर का कुमकुम भाग्य शो है नंबर 8 की पोजीशन पर विद 2.0 रेटिंग पॉइंट्स। नंबर 7 पर आए शो की बात की जाए तो बात की इस हफ्ते की टीआरपी में इस पोजीशन पर है बिग बॉस 16। जी हाँ, इस हफ्ते शो ने 7वां पायदान अपने नाम किया है और शो को मिले हैं 2.1 रेटिंग पॉइंट्स। नंबर 6 पर है स्टार प्लस का फेमस शो पांड्या स्टोर, जिसने इस हफ्ते हासिल किए हैं 2.1 रेटिंग पॉइंट्स। अब बात करते हैं उन टीवी शोज की जिन्होंने टॉप 5 की लिस्ट में जगह बनाई है। तो 5वां पायदान अपने नाम किया है स्टार प्लस के शो फालतू ने। पिछले कुछ हफ्तों से ये शो लगातार टॉप 5 की लिस्ट में बना हुआ है और इस हफ्ते शो ने हासिल किए हैं 2.2 रेटिंग पॉइंट्स। नंबर 4 की पोजीशन पर है एक बार फिर से इमली शो, जिसने हासिल किए हैं 2.3 रेटिंग पॉइंट्स। तीसरे नंबर पर आए शो की बात की जाए तो इस पोजीशन पर है स्टार प्लस का फेमस शो ये रिश्ता क्या कहलाता है विद 2.5 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं हमेशा की तरह दूसरा पायदान अपने नाम किया है गुम है किसी के प्यार में शो ने 2.7 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 पर आए शो की। तो राजन शाही का शो अनुपमा है एक बार फिर से नंबर 1 की पोजीशन पर। इस हफ्ते भी शो ने सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं जो कि है 2.9 रेटिंग पॉइंट्स। वेल, तो ये है वीक 3 की बाग टीआरपी की टॉप 10 टीवी शोज की रिपोर्ट। अगले हफ्ते जब चौथे हफ्ते की टीआरपी सामने आएगी तो कौन कौन से शोज उस लिस्ट में शामिल होंगे और कौन बनेगा नंबर 1, ये हम आपको बताने जरूर हाजिर होंगे।